मध्य प्रदेश सरकार को बीते कुछ दिनों से अपने विधायक ही घेर रहे हैं। सार्वजनिक जगह से कोई इस्तीफा दे रहा है तो कोई धरने पर बैठ रहा है, कोई सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहा है। ये 6 बीजेपी विधायक हैं, 3 पूर्व मंत्री रह चुके हैं। गुरुवार देर रात देवरी से बीजेपी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नहीं, कदम तो मैंने उठा लिया, मैंने दे दिया इस्तीफा, ऐसी विधायक मुझे नहीं करना। उसे विधानसभा अध्यक्ष को भी भेज दिया। विधायक जी सांप काटने के मामले में FIR नहीं लिखे जाने से नाराज थे, हालांकि कुछ घंटों बाद वो मान गए, इसे तात्कालिक आक्रोश बताया। तो आक्रोश का विषय था, दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब मैंने आक्रोश से वशीभूत होकर ये कदम उठा लिया। पार्टी मेरे साथ में, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में। एक दिन पहले मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल SP कार्यालय में दंडवत हो गए, कहा गुंडों से मर्डर करवा दो। आरोप लगाया शराब माफिया पुलिस को संरक्षण दे रही है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इसमें सरकार, प्रदेश, केंद्र की सरकार, विधायक, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर सब चाहते हैं कि ये नशा मुक्त अभियान में सब लगे हुए हैं, मगर नशे का कारोबार करने वालों ने ये तय कर लिया है कि अब सरकार से सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए वो 2-4 अधिकारियों को पकड़ रहे हैं। उनके समर्थन में पाटन से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रदीप जी आपने सही मुद्दा उठाया है, पर क्या करें, पूरी सरकार शराब ठेकेदारों के आगे दंडवत है। नरियावली से बीजेपी विधायक अवैध शराब बिक्री और जुए से परेशान होकर खुद थाने पहुंचे, कहा पुलिस अनदेखी कर रही है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक संजय पाठक कह रहे हैं उनके आधार कार्ड में छेड़छाड़ हुई है, कुछ संदिग्ध उनके घर के आसपास घूमते हैं, उनकी जान को खतरा है। पूर्व में भी मैंने कटनी SP को और DGP को पत्र लिखा है कि मेरे घर के आसपास कई बार मैंने देखा है, कटनी में भी, जबलपुर में भी और भोपाल में भी, संदिग्ध परिस्थितियों में मुझे कुछ लोग पिछले 6-8 महीने, एक साल से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, कोई बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे समझ में आ रहा है। गढ़ा कोटा से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने तो सोशल मीडिया पर यह तक लिख दिया, आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, क्या इन परिस्थितियों में हम रावण दहन के अधिकारी हैं? बीजेपी से सामान्य बता रही है तो कांग्रेस अंदरूनी झगड़ा। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दल है जहाँ पद्धति पर आधारित काम चलता है। अगर आपको, अगर पटेरिया जी की आप बात करें तो पटेरिया जी ने 1 मिनट के अंदर कह दिया कुछ नहीं, सारी चीजें समाधान हो गया। प्रदीप पटेल जी समझाओ, सब होता है, अनुशासन कुछ कम हो रहा है, अनुशासन भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी। पहले हम कहते थे तो BD शर्मा जी कहते थे कि ये BJP को बदनाम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। अब उनके एक दर्जन से ज़्यादा विधायक जब उन विषयों को उठा रहे हैं जिनको हम पिछले 2 महीने से उठाते चले आए हैं, तब अब क्या कहेंगे। कुछ दिनों पहले बीजेपी मंत्री, सांसद और विधायक एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर रहे थे। कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल उल्लंघन से लेकर अपराधियों को संरक्षण देने तक के आरोप खुद BJP नेता लगा रहे थे। पहले BJP के विधायक और सांसद एक दूसरे के खिलाफ बोले, अब BJP के विधायक प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं। हमने उतना ही बोला जितना BJP के नेताओं ने बोला, क्योंकि एक पुरानी फिल्म का गीत याद आ रहा है, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।